हेलो वेलकम टू माय चैनल कैसे हो आप सब लोग तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एल के जी का सिलेबस एल के जी में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है एल के जी में मोस्टली फोर सब्जेक्ट्स होते हैं और हिंदी भी एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश मैथ ईवीएस आर्ट एंड क्राफ्ट एंड हिंदी इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स एट टू जेड तक के कैपिटल लेटर्स का ट्रेसिंग सिखाया जाता है राइटिंग रीडिंग एंड रिकोगशन भी सिखाया जाता है लुक एंड राइट वर्ड्स वर्ड्स के वर्ड्स देख के या फिर ऐसे कुछ स्मॉल वर्ड्स देते हैं टू या थ्री लेटर्स के वर्ड्स उसको लुक एंड राइट करना होता है बच्चों को फोनिक्स साउंड्स सिखाए जाते हैं टू टू थ्री लेटर वर्ड्स भी सिखाए जाते हैं फोनिक साउंड्स के बिना वो पढ़ नहीं पाएगा आसानी से तो आप जब फोनिक साउंड सिखाओगे तो वो आसानी से पढ़ पाएगा तो मैं फोनिक साउंड आसानी से कैसे पढ़ाते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी साइट वर्ड्स जैसे कि एट ऑब गो डू एट्सेट्रा मतलब साइट वर्ड्स क्या होते हैं जो वर्ड्स पिक्चर्स के थ्रू हम नहीं सिखा सकते उनके कुछ पिक्चर्स नहीं है लेकिन वो वर्ड्स हर सेंटेंस में यूज होते हैं वो होते हैं साइट वर्ड्स इनको हमें याद करना ही होता है ये ऐसे ही याद करके ही पढ़ाए जाते हैं मैचिंग द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स मिसिंग लेटर्स सिखाया जाता है ओवल्स सिखाए जाते हैं इंट्रोडक्शन दिया जाता है कौन कौन से ओवल्स है जस्ट इंट्रोडक्शन ये भी कैसे आसानी से पढ़ाते हैं इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी राइट द फर्स्ट लेटर सर्कल द correct करेक्ट लेटर एंड सर्कल द करेक्ट पिक्चर ये भी सिखाया जाता है राइम्स एंड स्टोरी सिखाए जाते हैं अब ये पूरा कैसे होता है ये बुक्स में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आप आप सबको पूरे बुक्स दिखाऊंगी और वो बुक्स देख के आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं नाउ मैथ मैथ में बच्चों को एल के जी में नंबर्स वन टू फिफ्टी सिखाए जाते हैं नंबर नोटेशन किया जाता है वन टू टेन नंबर नेम्स वन टू टेन ई वन ऐसे स्पेलिंग सिखाए जाते हैं नंबर नेम्स के वन टू टेन तक नंबर एक्टिविटीज़ ली जाती है काउंट एंड मैच बैकवर्ड काउंटिंग टेन टू वन ट्वेंटी टू वन तक बैकवर्ड काउंटिंग भी सिखाई जाते हैं कंसेप्ट सिखाए जाते हैं लॉन्ग शॉर्ट टॉल शॉर्ट थिक थिन लेफ्ट राइट सेम डिफरेंट मोर लेस अप डाउन इन आउट ऐसे डिफरेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट भी मैथ में सिखाए जाते हैं देन मैथ में शेप्स भी सिखाए जाते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्कल हार्ट डायमंड ओवल जैसे डिफरेंट शेप्स सिखाए जाते हैं बच्चों को अब ईवीएस में देखते हैं क्या पढ़ाते हैं ईवीएस मीन जनरल अवेयरनेस ई वी एस में माई सेल्फ सिखाते हैं नेम जेंडर एज क्लास जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं माई सेल्फ के बारे में वो पढ़ाए जाते हैं माई बॉडी मेन पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो पढ़ाए जाते हैं हैंड हेड लेग्स वगैरह माई होम माई फैमिली ये भी पढ़ाया जाता है बेसिक क्वेश्चंस कितने मेंबर्स होते हैं फैमिली में माई होम मतलब एड्रेस भी पूछते हैं कभी कभी या फिर फैमिली में जो भी फादर मदर होते हैं उनके नाम भी बच्चों को सिखाए जाते हैं माई स्कूल माई स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन सिखाई जाती है सेंस ऑर्गन्स मतलब आई नोज ईयर स्किन टंग ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं वाटर साइकिल पढ़ाया जाता है एक्शन वर्ड्स होते हैं जो प्लेइंग वॉचिंग रीडिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं क्या एक्शन कर रहे हैं उसके जो वर्ड्स होते हैं एक्शन वर्ड्स वो भी बेसिक सिखाए जाते हैं कंसेप्ट्स लाइक हैप्पी सैड ड्राई वेट फास्ट लो या फिर रफ एंड सॉफ्ट ऐसे डिफरेंट कंसेप्ट भी एल के जी में सिखाए जाते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स सिखाए जाते हैं एनिमल्स पेट एनिमल्स फार्म एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन सिखाते हैं बर्ड्स इंसेक्ट्स सीजन्स सीजन्स भी सिखाते हैं रेनी विंटर एंड समर थ्री मेन सीजन सिखाते हैं ट्रांसपोर्ट्स एयर थ्रू वाटर के थ्रू एंड लैंड के थ्रू थ्री टाइप्स के ट्रांसपोर्ट भी सिखाते है, living, -living सिखाते हैं लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सिखाते हैं इसका जस्ट इंट्रोडक्शन होता है कि क्या होता है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग डेज ऑफ वीक सिखाते हैं मंथ्स ऑफ ईयर सिखाते हैं फेस्टिवल सिखाते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स सिखाते हैं मतलब कौन हमें क्या हेल्प करता है पुलिस क्या करते हैं और जो भी कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं टीचर्स क्या करते हैं डॉक्टर्स क्या करते हैं ये सब एल में इंट्रोडक्शन किया जाता है फिर एक सब्जेक्ट होता है आर्ट एंड क्राफ्ट तो आर्ट एंड क्राफ्ट में फिंगर प्रिंटिंग होता है पान प्रिंटिंग होता है कॉटन स्टिकिंग हैंड क्राफ्ट वगैरह आर्ट एंड क्राफ्ट का एक सब्जेक्ट होता है उसमें जैसे कि मैन बनाना कॉटन स्टिकिंग में या फिर रैबिट रैबिट बनाना कॉटन स्टिकिंग से वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट में ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ सिखाए जाते हैं। तो अभी हिंदी हिंदी कुछ कुछ स्कूल में सिखाया जाता है एल के में कुछ स्कूल में नहीं भी सिखाया जाता तो जिस स्कूल में सिखाया जाता है पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट तो वो जस्ट इंट्रोडक्शन देते हैं हिंदी का वन माला का देख कर लिखो मतलब जो भी वर्ण लिखे हैं स्वर लिखे हैं व्यंजन लिखे हैं उनको देख कर लिखना होता है हमें अ आ, आ नीचे अ आ, आ बच्चों को ऐसे देख कर लिखना होता है चित्र देख कर सही अक्षर पर गोला लगाओ जो भी चित्र होंगे उन अगर आम दिया है सपोज तो अ ई तो आप गोला लगाएंगे ऐसे चित्र देखकर गोला लगाओ ये भी सिखाते हैं चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो ये भी पढ़ाते हैं अक्षर को चित्र से मिला शब्दों को जोड़कर लिखो दो या तीन अक्षर तीन चार अक्षर वाले शब्द अभी जी में दो तीन या चार शब्द अक्षर वाले शब्द यहाँ तक ही पढ़ाया जाता है उसके बाद यूकेजी जी में होती है मात्राएँ मात्राएँ एल के जी में नहीं पढ़ाते हैं दो या तीन चार अक्षर वाले शब्द जो कि जिसमें की कोई मात्राएँ नहीं है कमल बरगद ऐसे जो भी शब्द होंगे तीन या चार अक्षर वाले वहाँ तक ही पढ़ाया जाता है तो ये हो गया एल के जी का सिलेबस अभी एक वीडियो में मैं पूरे बुक्स दिखा दूंगी उस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि ये कैसे पढ़ाते हैं पूरा सिलेबस या फिर कैसा उसका पैटर्न होता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो थैंक यू